हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? पहले तो मैं आप लोगों से बहुत 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 माफ़ी मांगना चाहूँगा कि बहुत दिनों से मैं ब्लॉग नहीं बना पाया था। मैं थोड़ा सा काम में बिज़ी हो गया था और थोड़ा ऑफिस का काम था एंड ईयर चल रहा है तो बहुत सारे सबमिशंस थे, तो इसके कारण मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा था। लेकिन जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि ब्लॉग्स आएंगे और ब्लॉग्स को मैं बनाता रहूँगा, तो आज ही हम ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं कुछ नए अंदाज़ में, कुछ नई जगह पर, क्योंकि मैं डायरेक्ट निकल गया था घर से बाहर और थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया, तो मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग यहीं से कर रहा हूँ। तो हम आज आए हुए हैं तिलवारा घाट पे और रात हो रही थी और अब आज से छुट्टियाँ भी पड़ गई हैं, तो हम सोचे कहीं निकलते हैं और ठंड हो रही थी तो गर्मा गर्म चाय भी पियेंगे और देखते हैं और क्या क्या चीज़ मिलता है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, बहुत कोहरा हो रहा है जैसे कि, तो हम लोग आज ऐसे ही प्लान बनाया कजिन्स लोग के साथ कि निकलना है, कहीं चलते हैं, रात में रात हो रही है, ठंड भी हो रही है, कुछ गर्म ठंड पीते हैं। और जैसा कि आप देख रहे होंगे मेरे मुंह से धुआं निकल रहा है, मतलब ठंड का एहसास, ठंड इतनी हो रही है कि आप विश्वास नहीं मानोगे, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। मनाली में बर्फ़ पड़ी है, ऊपर हिमाचल में बर्फ़ पड़ी है तो उसका असर दिख रहा है और यहाँ पे भी उसका असर दिख ही रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। Many unbearable hours later. ठंड हो रही है रात में एकदम और हम आ गए हैं अपने पिज़्ज़ा स्टोर पे। आज हम करें पिज़्ज़ा ऑर्डर, तो आ दी हमने अपनी गाड़ी, तो अभी हम आ गए डोमिनोज़ के स्टोर पे अपना पिज़्ज़ा लेने के लिए। आज पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा था तो देखें कुछ नज़ारा है। हमारा पिज़्ज़ा हो रहा है ऑर्डर, हमने अपना ऑर्डर कर दिया है। A few moments later. ये है तिलवारा बीच और पूरा कोहरा हो रखा है, पूरी जगह कोहरा हो रखा है। आप जैसे देख सकते हैं ठंड हो रही है। ऐसे ही प्लान बन गया और हम लोग आ गए और ये देखिए ठंड इतनी हो रही है कि पानी से भी निकल रहा है एकदम धुआं, मतलब पानी बहुत ठंडा है, आप यकीन नहीं मानेंगे। और यहाँ पे जो ये जो एहसास हो रहा है ठंड का, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और मेरे मुंह से भी धुआं निकल रहा है। और अगर मैं आपको धार दिखा सकूँ तो ये देखिए वहाँ पे बह रही है धार पानी की, और ये इतना तेज है मतलब कि आप विश्वास नहीं करोगे। और ये है पुल, यहाँ का नज़ारा कुछ रात का ऐसा है। और इसको ये है हमारा तिलवारा पुल, यहाँ से हम निकलते हैं नागपुर रोड सीधा महाराष्ट्र की ओर। मेरे साथ है एक छोटू सा पप्पी, ये देखिए, हेलो, ये यहाँ का पुराना पुल है, सबसे पुराना, ये कुछ ऐसा देखता है दिखता है और ये वहाँ जाके ख़त्म हो जाता है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, वहाँ जाके ख़त्म हो जाता है। ये कुछ पुराना पुल है, इसको बंद कर दिया गया था और उसके बाद ये नया पुल बनाया गया। ठंडा पपी भी देख सकते हैं कितनी ठंड हो रही है, आप देख सकते हैं क्या यहाँ पे हाईवे पे चाय पीने के लिए, तभी गर्म हम लोग पियेंगे चाय। वो ठंड बहुत ठंड हो रही है। अच्छा आप देख सकते हैं मेडिकल है, ये मेडिकल रोड है और हमारे हाथ में है ये गर्मा गर्म चाय, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया भाई, बहुत अच्छा टेस्ट है। मतलब आप एक कैफ़े में चाय पियो और एक हाईवे पे चाय पियो, उसका मज़ा ही अच्छा लगेगा। और भरी ठंड में चाय पीना मतलब बहुत अच्छा मज़ा आती है, और ऐसे कप में चाय पीने में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और देखते हैं सामने मिल रही है कहीं पे रबड़ी, रबड़ी जलेबी वहाँ पर मिल रही है, अभी देखते हैं वो भी खाएँगे। और जैसा कि हमने बोला कि ये आ गई है हमारी रबड़ी गुलाब जामुन,
वो भी गर्मा गर्म मस्त। आइए इसको टेस्ट करते हैं, आपको बताएंगे कैसा टेस्ट है इसका। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं घर वापस और ठंड में हमने बहुत मज़ा किया और राइड भी अच्छी रही हमारी, बहुत मज़ा आया। अब हो गया समय ब्लॉग को एंड करने का, बज गए हैं रात के 11:45 हो रहे हैं। तो यहीं करते हैं इस ब्लॉग को एंड, आज के लिए यहीं करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, जहाँ पे हम कुछ नया करेंगे और कोशिश करूँगा कि इस बार ब्लॉग थोड़ा जल्दी जल्दी आते रहे, गैप्स कम हुए। और आप बताइए आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो ब्लॉग को कर दीजिए लाइक, और पता है चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप चैनल ब्लॉगर बनिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ रात्रि।